आज शुभ शनिवार है और शनिवार का जो दिन है वो विशेष दिन होता है समण संघ में, क्योंकि उस दिन एनआरआई डे भी है। जो समण हमारे बाहर जाके रोजी रोटी कमाते हैं या बाहर जाके रहते हैं, उनका दिन भी आज ही होता है। और शुभ शनिवार हमारा बहुत प्राचीन दिन है, बहुत प्राचीन मतलब बहुत पुराना, पुराण इतना पुराना कि हम इसको भूल गए और भूलने से इसका अर्थ का अनर्थ हो गया, यानी जो इसका शुभ अर्थ था उसको अशुभ में बदल दिया। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर ये शुभ शनिवार था तो हमारे लिए तो शुभ था, तो किन लोगों के लिए ये अशुभ था और किन लोगों ने इसको बदला? हमारा शनिवार शुभ शनिवार किन लोगों के लिए अशुभ शनिवार हो गया, अपशकुन हो गया, शनिचर्या उनके लिए अपशकुन हो गई, अशुभ हो गई, कैसे हो गई, क्या हो गई, इसका विचार मंथन हम कई सौ साल से कभी किए नहीं। बस ये सुनते आए और ये देखते आए कि शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए, ये सबको पता है। कोई क्योंकि पुराने समय में तो लोहा अधिकतर तलवारों में, त्रिशूल में, भाले में, बल्लम में, छुरी में, चाकू में, ये समय उपयोग होता था। बाद में जो बंदूक और तमंचे आए या रिवॉल्वर आई, उसमें भी लोग शनिवार के दिन नहीं खरीदते और फिर लोहे को खरीदना बंद कर दिया, ये हमें पता है। पर ये कोई बताता नहीं कि शनिवार को लोहा खरीदना क्यों नहीं चाहिए, क्यों ये अपशकुन है, क्यों ये बेकार है और क्यों हमारे लिए ये अशुभ है, या उन लोगों के लिए अशुभ है जिन्होंने इसको शुभ से अशुभ किया, ये कोई नहीं बताता। शनिवार के दिन लोग दान करते हैं, भोजन दान करते हैं, भोजन दान की प्रक्रिया बाद में तेल दान में बदल गई और पैसे में बदल गई, पर दान लेने वाले और दान देने वाले दोनों बदल गए। दान लेने वाले काले लोग हो गए, पर जो शनिचर्या का जो देव है, देवता है, देने वाला है, वो काला ही है, और दान देने वाले काले से गोरे हो गए, यानी कि उल्टा हो गया। ये चीजें हमें इसलिए समझनी चाहिए क्योंकि भारत के अंदर जो भी चीज समणों के लिए अपशकुन है, नुकसानदायक है, खतरनाक है, बेइज्जती वाली है, निगेटिव है, उन पर सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है, कब से है, किसने आरंभ किया, किसने बदला, क्यों बदला, पहले इसका क्या अर्थ था और आज इसका क्या अर्थ है, और अभी इसको अर्थ को कैसे ठीक करें जो पहले अर्थ था उसके अनुसार।